नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ तमाम बड़ी खबरों पर। ईडी ने कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के 7 आईपीएस अधिकारियों को तलब किया। बांग्लादेश में 6 मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करीब 52 लोगों की मौत, दर्जनों भर लोग घायल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली में मॉनसून के आगमन की भविष्यवाणी। कोलकाता फर्जी टीकाकरण अभियान में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। यूपी के अयोध्या जिले में सरयू में स्नान करते समय एक ही परिवार के 12 लोग डूबे, पुलिस और गोताखोर कर रहे रेस्क्यू। यूपी के लखीमपुर खीरी में महिला प्रस्तावक से बदसलूकी पर सीएम योगी सख्त, एसओ समेत 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति कोविंद से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। पंजाब में सरकार बनी तो किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देंगे। तबलीगी जमात मामले में पुलिस के रवैये से नाराज इलाहाबाद कोर्ट ने 3 जिलों के एसपी को किया तलब। पशुपति पारस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चुराकी याचिका पर दोपहर 3 बजे के बाद की सुनवाई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीटें और बढ़ेंगी, परिसीमन आयोग ने दिए संकेत। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बीएसएफ के डीजी करेंगे उत्तर बंगाल का दौरा। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लखीमपुर खीरी में महिला पर हमले का एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। ओडिशा में 4 साल की बच्ची प्रिया ने योग की विभिन्न आसन कर रचा इतिहास, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। पहली बार जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी, सीईसी सुशील चंद्रा ने कहा। अनलॉक के बाद रोजाना औसतन 8,500 वाहनों की हिमाचल में एंट्री, पर्यटक कोरोना नियम माने, डीजीपी ने कहा। देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक जारी। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज टाइम के साथ। नमस्कार।